हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जुलाई मंथ की पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं की गई है। कुछ कुछ पेंशनर्स हैं जो कि बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके खातों में पेंशन आ गई है, लेकिन स्पर्श वालों के किसी के खाते में पेंशन नहीं आई है। मैं इसको आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पे क्या है कि इस चैनल की एक खासियत है कि यहां झूठ नहीं बोला जाता है। हां, देर रात तक हो सकता है, 8 करीब करीब मैंने ऐसा मुझे आइडिया लग रहा है कि 4 बजे के बाद पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन एक कारण और है उसमें पेंशन आने का, कि हो सकता है कि अगर 10 जुलाई का लेटर सही है कि ORP 3 जो है वो आपको दे दिया गया है, तो फिर उसके हिसाब से तो जो है कि पेंशन बढ़ के आना चाहिए। ORP 3 का रिवीजन जो होना है उसके हिसाब से तो पेंशन बढ़ के आनी चाहिए। अगर वो लेटर सही नहीं है तो फिर यहाँ पर मतलब ये पेंशन जो है वो बढ़ के नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो पेंशन बराबर जैसे आनी थी वैसे आ रही है, तो इसका मतलब है वो जो 10 जुलाई का लेटर है जो भी रिलीज़ किया गया है वो लेटर जो है वो गलत है, फेक लेटर है वो। और उसमें मैंने देखा है, उसको पढ़ के वॉच किया है, स्टडी किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि PCDA उसको यहाँ पे प्रोसीड कर रही है। न कोई पैराग्राफ है, न कुछ है, न कुछ, मतलब एकदम फर्जी है। अब इसका एक मैं सबूत और दूंगा इसका फर्जी लेटर होने का, आगे वाली वीडियो में बताऊँगा, आगे आने वाली अभी यहाँ पर बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक लेटर मुझे और मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें एक मामला आया है कि एक सज्जन हैं जेड ग्रुप के, जिनका जो बेसिक है वो है 4940, और जबकि वो TS नायक हैं जेड ग्रुप में, जब जेड ग्रुप जो है वो 2006 के बाद में मर्ज हो गया था वाई ग्रुप में, तो उनका जो बेसिक बनना चाहिए वो वाई ग्रुप से बनना चाहिए, और वो बनना चाहिए 5230 का। तो इसका मतलब है 5230 के हिसाब से अगर उनको 568 का अरियर आता तो वो ज़्यादा आएगा, तो इसलिए उन्होंने शिकायत डाल दी CP ग्राम्स में डालने के बाद उन्होंने बैंक वालों से कहा, बैंक वालों ने फिर उनको ये क्लेरिफिकेशन दिया। ये लेटर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ये बात देखिए एक रही, और दूसरी खबर है हमारे पास कि ये लेटर है, आप लोग देख लेना, मैं डाल दूँगा। ये PCDA का भी है, PCDA के बाद में फिर उन्होंने बैंक ने क्लेरिफिकेशन दिया तो उसका भी है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैं कि जो दूसरी खबर है ये है आपका ये पूरा है वो उसी का मैटर है, 568 वाला है, तो आपको पूरा स्क्रीन पर आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना, पॉज करके देख लेना। ये पूरा मैंने लेटर उसको आपको डाल दिया, देख लेना आप। इसके बाद में दूसरी खबर आती है, इंडियन एक्स सर्विस मैन मूवमेंट ने यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है कि आप लोग जब ये कह रहे हो कि 5 साल बाद रिवीजन होना है, जुलाई में जब इसका रिवीजन हो रहा है आपकी ORP 3 का, तो आप एरियर किस बात का दे रहे हो? अब बात समझ में आई, जबकि संसद में, जबकि क्या कहते हैं सदन में ऐसा कहा गया है कि हम लोग, ये लेटर आप लोग पढ़ सकते हो स्क्रीन पर, कि इसमें बताया है उन्होंने कि पार्लियामेंट में ये चीज़ यहाँ पर कही गई है कि हम लोग आपको 1 जुलाई 2024 का जो ORP का रिवीजन हुआ है उसका अगले महीने तक, और उन्होंने एक जवाब और दिया है कि 1 साल तक हम कभी भी इसका आपको एरियर दे सकते हैं। इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल सतबीर साहब, उन्होंने यहां पर कहा है कि आप लोगों को 1 साल का समय दे कौन रहा है, आप इसका समय 1 साल क्यों ले रहे हो? आप लोगों ने अभी जुलाई में नहीं दिया है तो उसका जुलाई का अरियर प्लस आप अगस्त की पेंशन अगले महीने में क्रेडिट कर दो, उसमें 1 साल का टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग? जिससे कि यहाँ पर ये है कि जो सर्विस मैन है उनका तो बहुत समय जाएगा, ऐसे ही आप फिर अगर आप जुलाई में नहीं दे पाए तो अगस्त में नहीं दे पाओगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ऐसे करके तो फिर आप लोग उसको पूरा 1 साल तक खींच दोगे। तो उन्होंने कहा है कि इस काम को आप लोग जल्दी से जल्दी करिए और इतना लंबा मत खींचिए। सीधी सी बात संक्षेप में बता रहा हूँ, ये लेटर तो बहुत बड़ा है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ लेना। अब इसमें एक मामला आया है कि आप लोग जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो एंटाइटलमेंट जो होता है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि हम लोगों को कितना % डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर ही इस चीज़ को देख लें, और अगर आपको कम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को शिकायत भी करनी पड़ेगी। जैसे कि एक मामला है यहाँ पर 2000
299 रुपये इनको मिल रहे थे, और उनका ये 50% मिलना चाहिए था, ठीक है ना, 6291 मिला, तो दैट मीन्स इनको क्या था कि वो 30% ही दिया गया, जबकि मिलना चाहिए था इनको 50%, जबकि दिया 30%। ऐसे भी कई मामले आए कि आपको डिसेबिलिटी जो एंटाइटलमेंट है वो मिलना चाहिए 50% और मिलना है वहाँ पर 30%, मिलना चाहिए 75%, मिलना है वहाँ पर 50%। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग सबक ले सकते हो इस लेटर को देख के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, कोई अच्छी सी जानकारी लेने के साथ मिलता हूँ आपसे मैं। लेकिन इससे जाने से पहले एक बात और कह देता हूँ कि पेंशन जो स्पर्श की है वो आज की तारीख में फ़िक्स होती है, जबकि बैंक में जो पेंशन आती थी वो पहले ही 2-3 दिन पहले आ जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको बैंक का पेंशन सिस्टम अच्छा लगता था या स्पर्श का। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।